पार्ट थर्ड रिजल्ट में हुई गड़बड़ी के खिलाफ एमएसयू का आमरण भूख हड़ताल शुरू। कहा जब तक मांग पूरी नहीं होगा तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों का नहीं लिया सुधी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पार्ट थर्ड रिजल्ट में हुई गड़बड़ी के खिलाफ आमरण भूख हड़ताल शुरू किया गया। आंदोलन एमएसयू के केस कॉलेज के छात्र नेता अनीश चौधरी और मारवाड़ी कॉलेज के छात्र नेता नारायण मिश्रा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें आरएनआर कॉलेज के छात्र डिक्सन कुमार, बीआरबी कॉलेज के छात्र विष्णु हरि ठाकुर व एमएलएसएम कॉलेज के छात्र गुरु शरण कुमार अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्रों को एमएसयू के छात्र नेता अमन सक्सेना, दिवाकर मिश्रा, अभिषेक कुमार झा, नारायण मिश्रा, अनीश चौधरी, अर्जुन कुमार, सुधांशु कुमार आदि छात्र नेताओं ने संबोधित किया। छात्र नेताओं ने कहा विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जानकर छात्रों को फेल और कम नंबर दिया जाता है ताकि स्कूटनी के नाम पर छात्रों से पैसा वसूल कर सके और प्राइवेट एजेंसी को फायदा पहुंचा सके। अगर छात्र फेल नहीं करेंगे, छात्रों को कम नंबर नहीं दिया जाएगा, तो छात्र स्कूटनी करेंगे ही क्यों? इसी कारण छात्रों का रिजल्ट खराब किया जा रहा है ताकि छात्र स्कूटनी के नाम पर पैसा खर्च कर सके। छात्र नेताओं ने कहा मिथिला विश्वविद्यालय का एक भी कॉलेज नहीं है जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलता हो। छात्र प्राइवेट कोचिंग के सहारे जैसे तैसे परीक्षा में शामिल होते हैं और उनका रिजल्ट फेल कर दिया जाता है। मौके पर आंदोलन के समर्थन में वेदांत वत्स, सतीश कुमार, आदर्श, अंकुश, अमित, प्रेम, ऋषु, चंदन, मुन्ना, गणेश, विकास, राहुल, आदित्य, धीरज, विजय, तनवीर, कौशल, अफजल हुसैन, विशाल कुमार, प्रकाश, आदर्श रंजन, सरोज, गुड्डू, राकेश, अंकित, अमरनाथ, जनी, मोहित, अली मोहम्मद, धीरज कुमार ठाकुर आदि छात्र मौजूद थे। मिथिला यूनिवर्सिटी की ऐसा यूनिवर्सिटी होती है जहाँ सब्जेक्टिव पेपर में जीरो मार्क दिया जाता है। अब आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि जिस सब्जेक्टिव पेपर 100 मार्क की है और 100 मार्क में बच्चा अगर कैसा लिखेगा, वो खुद से भी अगर पढ़ गया होगा तो वो एक पेज कम से कम लिख के ही आया होगा क्वेश्चन का, उसमें अगर उसे दिया जाएगा तो एक नंबर भी दिया ही जाएगा, जो कि यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे 0-0 मार्क, दो दो पेपर, मेरे खुद के पेपर में दो पेपर में 0-0 मार्क। पेपर है वो मेरा फिजिक्स का पेपर 5 और 6 में 0 मार्क दिया गया और 7 कम मार्क देके फेल कर दिया। लहर में छात्र एलएनएमयू में धरना पे क्यों? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हम लोगों को आंदोलन पर बैठना पड़ रहा है। एलएनएमयू के द्वारा पिछले महीने 31 तारीख को साइंस का रिजल्ट जारी किया गया था और 4 दिन पहले कॉमर्स का भी रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन जो रिजल्ट जारी किया है वो छात्रों के खिलाफ जारी किया गया। साइंस के फिजिक्स सब्जेक्ट के मैक्सिमम बच्चों को पेपर 5 और पेपर 6 में या तो फेल कर दिया गया है या फिर कम नंबर दिया गया। यही चीज कॉमर्स के छात्रों के साथ भी हुआ है, उनको एवरेज मार्किंग कर दिया गया, औसत मार्किंग कर दिया गया। कोई भी छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। इसी के विरुद्ध में आज हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे 3 साथी जो पार्थवी के हैं, जिनका रिजल्ट फेल कर दिया गया है, जिनका रिजल्ट कम है, मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, वैसे छात्र आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए और अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग सिर्फ 3 है। पहली मांग है तो वैसे छात्र जो भी अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वैसे छात्रों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए कॉपी का। दूसरी मांग है जिन भी छात्रों को फेल किया गया है वैसे छात्रों को कोरोना को देखते हुए कॉलेज में शिक्षा नहीं मिलती है, ये सभी को पता है, इस परिस्थिति को देखते हुए सभी छात्रों को पास किया जाए। और हमारी तीसरी मांग है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन स्क्रूटनी के नाम पर पैसे की अवैध वसूली करता है, इसको तत्काल बंद किया जाए। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।